क्या कहना चाहेंगे राजस्थानी प्रजापति संस्थान में आप आए, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे समाज को और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले राजस्थानी प्रजापति समाज को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन के लिए। ये समाज कई सालों से हमसे जुड़ा हुआ है और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और सभी गणमान्य सम्मान्य सभी इस समाज से जुड़े हुए सदस्य को भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं कि इसी तरह आगे अपनी संगठना समाज को यूं ही बनाए रखे और आगे बढ़ाए रखे। और उनसे हमेशा मैं जुड़ी हुई हूँ, उनका कोई भी कार्य लेके भी जब मेरे पास आते हैं तब हमेशा मैं करूंगी और आगे भी करती रहूंगी। तो इसी प्रकार फिर से मैं शुभकामनाएं देती हूं। ये पहले बड़ा आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहोगे कसाब का जो फांसी का जैसे आपने कहा है उसको फांसी दिलवाई थी आपने, गवाही दी थी, विटनेस दिया, क्या कहना चाहोगे, क्या था वो चीज़, पूरा मामला अगर जानना चाहें क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम देविका नटवाला डोटा में, 26/11/2008 को मैं और मेरा भाई और मेरे पापा हम तीनों CST गए थे। 12 सितंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया, पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया गोली फायरिंग हुआ, बॉम्ब स्पॉट हुआ, हम लोग भागने की कोशिश किया तो कसब की गोली आके मैं राइट पैर में गोली लगी तो मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए तो सेंट जॉर्ज में मैंने देखा कितने जन मरे थे, घायल थे, वो देख के मैं डर गई तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ से मुझे जेजे हॉस्पिटल लेके गए, जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीने एडमिट रही, पैर का 6 बार ऑपरेशन किया। वहाँ से डिस्चार्ज मिला तो मैं राजस्थान गांव गई थी, तो गांव में एक एम्बुलेंस ऑफिसर से मेरे काकू को कॉल किए, बोले कि आप देविका का नंबर मिलेगा कि आप कोर्ट में आके बयान देंगे। तो 10 जून को मैं और मेरे पापा हम दोनों ने जाके कोर्ट में जाके बयान दिया था और मैंने बोला था यही टेररिस्ट है जिसने मेरे पैर में गोली मारी थी। जब मुझे गोली लगी थी बेहोश होने के पहले मैंने कसब को वहाँ देख लिया था गोली मारते हुए, वहाँ का हादसा वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती, जितने जन मरे थे घायल थे वो नहीं मैं भूलना भी नहीं कभी चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं भूल गई तो मैं सोचूंगी आतंकवाद को मैंने माफ़ कर दिया। पब्लिक के हवाले करिए, हम सबके हवाले करना चाहिए, ऐसे टेररिस्ट को तो खुलेआम फांसी देना चाहिए, तो टेररिस्ट दोबारा हमारे देश में आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैं आज प्रजापति समाज के महासम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुआ था और बड़ी खुशी हुई कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों से सभी महानुभव समाज के मान्यवर, समाज के अग्रणी, समाज के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और समाज की नींव जिंदा है इसलिए हमारी सृष्टि भी जिंदा है। पहले तो मैं संस्था द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर साक्षात रूप में हमने देखा है कि समाज की ताकत क्या होती है। जिस क्षेत्र में ये हो रहा है समाज ने एकजुट होकर इस प्लॉट को लिया है, ये समाज का जगह है और वाकई में इतना अंदर एक वीराने को चमन बना दिया तो ये सिर्फ समाज ही कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और क्रिसमस मतलब एक यो बोलते ना एक महापुरुष जी का भी जन्मदिन है तो अपने आप में कई महापुरुष आज के दिन हैं, तो शुभकामनाएं देती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है कि समाज ने उनके नाम को, उनके कार्य को इतना सम्मान दिया और उनके नाम से अगर मिठाई बांट रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अनेक बड़े बड़े मंचों पर जाने का अवसर मिला, बड़े से बड़े लोगों के साथ कठिनाई तो बहुत थी, करीब 82 से हम लोग प्रजापति समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एक सद्भावना के तहत सबको ऐसे एक मंच पे एकत्रित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत बार ऐसे सम्मेलनों का मतलब आयोजन किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 2014 में और ये हमारे शंकरलाल जी जो आज भामाशाह भी हैं और हमारी संस्था के जो हैं सबसे बड़े दानदाता, कोषाध्यक्ष और ये जगह भी हमारे पास नहीं थी, इनकी ही ये एक तरह से इनका ही बड़ा सहयोग है, इनकी मेहरबानी है कि इनकी फैक्ट्री सिलेक्टिव मार्बल गोरेगांव में है जिनमें बैठ के हमने 20-30 आदमी ने ये एक शुरुआत की समाज को एकत्रित करने की, समाज में एक प्रेम की जागृति करने की। हमारे को पहले से इतना बड़ा सपना था कि हमारे समाज की इतनी बड़ी जगह हो और वहाँ पे अपने जो लोकल जो MLA और ये सब पहले भी हमने इनवाइट किया, हमारे को उम्मीद थी कि वो लोग आएंगे और उनने उपस्थिति दर्ज करवा के हमारे को
हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे से जो यहाँ पे जो कमियाँ थी वो भी देखी कि हमारे यहाँ जगह में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो भी उन्होंने सॉल्व करने के लिए हमारे से प्रोमिस करके गए हैं। तो हमारे को उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स है, रास्ते की है, पानी की है, थोड़ा सा यहाँ पे निर्माण की है, वो पूरी करेंगे। और जो उन्होंने आश्वासन दिया वो बड़े दिल से दिया है और हमारे समाज को बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारे समाज के आखिरी में यही कहना चाहूँगा मेरे पूरे समाज की ओर से, आरपीएसएस की पूरी कार्यकारिणी की ओर से मेहता साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, महापौर डिंपल साहिबा का धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही साथ नगर सेविका जो आई थी उनका धन्यवाद, मुन्ना सिंह जी का धन्यवाद, तमाम हमारे पहुँचे हुए समाज के जो मेहमान हैं और मीडिया वाले हैं आप सबका धन्यवाद, हमारे समाज के प्रेस वाले हैं और अदर प्रेस वाले हैं, मैं पुनः दिल से आप सबका स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी को नए वर्ष की आगामी शुभकामनाएं देता हूं।